तीसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली है। मेक श्योर कि आप जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो किसी के प्रेशर में आके नहीं कर रहे हैं। बीटेक के दौरान मेरा कोई इरादा नहीं था, यूपीएससी तो दूर दूर तक नहीं सोचा था। उसके पश्चात मैंने एक साल जॉब भी करी है कि उत्तराखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहती हूँ रूरल एरियाज में, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में। देश भर में यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में हल्द्वानी की मीनाक्षी आर्या ने 444वीं रैंक हासिल की है। अभी हमारे साथ मैम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। मैम सबसे पहले बताइए आप। थैंक यू सो मच। आपने 444वीं रैंक हासिल की है, किस तरह से तैयारी की थी और क्या देना चाहती हैं उन एस्पिरेंट को जो तैयारी करना जो तैयारी कर रहे हैं? तो तैयारी मेरी कुछ जैसे मैंने यहाँ भी बोला कि डिसिप्लिन, परसिवरेंस, पेशेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड स्पेशली द इंटरेस्ट। ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको अपने रूटीन में लानी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा, तो इससे आपको सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है। और सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं किसी भी करियर के लिए, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि बी गाइडेड, एक अच्छे से गाइडेंस लेके रखें, अपने पास एक मोटिवेशन रखें जो आपको इस थ्रू आप इस जर्नी को सस्टेन कर सके ताकि पूरी जर्नी के दौरान। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने पीयर ग्रुप, अपनी फैमिली मेंबर्स के टच में रहें ताकि वो आपको सपोर्ट देते रहें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि गाइडेड तो आप ज़रूर रहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकते रह जाएंगे और आपको सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक सिलेबस के थ्रू आप एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन सक्सेस पा सकते हैं। मैम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एस्पिरेंट को जिसमें वो तैयारी करते हैं, तो आपसे वो जानना चाहेंगे, आपको अगर देख रहे हैं तो किस तरह की तैयारी करते समय उन्हें बातों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो यही कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक डेली रूटीन में होते हैं और एक वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस बन जाता है, तो उस टाइम पे आपका मोटिवेशन और आपका जो डिसिप्लिन है वो आपको स्ट्रैक में रखता है ताकि आप डेली उठकर वही रूटीन फॉलो कर सके। सेकेंड है कि इंटरेस्ट आपका बहुत ज़रूरी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। मेक श्योर कि आप जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो किसी के प्रेशर में आके नहीं कर रहे हैं और वो आपका खुद का इंटरेस्ट है। थर्ड इसकी परसिवरेंस और पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस राह में आपको फेलियर्स बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं, तो ऐसे में खुद को मोटिवेट करना और खुद से वो रिकवर कर पाना उस सारे फेलियर्स के थ्रू दोबारा खड़े उठना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे मैसेज। जैसा कि आपने बीटेक किया है और बीटेक करने के बाद आपने कब यूपीएससी की तैयारी की थी? बीटेक के दौरान मेरा कोई इरादा नहीं था, यूपीएससी तो दूर दूर तक नहीं सोचा था। उसके पश्चात मैंने एक साल जॉब भी करी है, जॉब के दौरान भी मैंने कभी नहीं सोचा यूपीएससी करने का, पर हाँ लगा था कि शायद गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब। और जॉब में आने के बाद एक्सप्लोर्ड मोर ऑप्शंस इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड देन आई रियलाइज कि यूपीएससी इज़ द वन थिंग दैट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है जिस जो मेरा बैकग्राउंड रहा है बीटेक, और इसमें एंशियंट इंडिया हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है विच इज़ ऑफ माई इंटरेस्ट। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आपने थर्ड अटैम्प में यूपीएससी क्लियर किया है, सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प थे कहाँ पर कमी रह गई थी? वहाँ तीसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली है, हालांकि जब पहला प्रयास था तो उस टाइम पे मैं मेंस तक क्लियर किया था और आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, बट मैंने 16 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ मिस कर दी थी, तो लिस्ट में उस टाइम पे नाम नहीं आ पाया था। बट आई वाज मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक गई हूँ, तो सेकेंड में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उस टाइम पर मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं था सोचने का, रोने का उस बारे में, तो फैमिली का सपोर्ट मिला, उन्होंने कहा दोबारा तैयारी करनी चाहिए, और मुझे भी लगा कि अगर पहले अटैम्प्ट में यहाँ तक जा सकती हूँ तो आगे ज़रूर होगा, तो फिर मैं दोबारा उठी और मैंने तैयारी शुरू कर दी। फिर सवाल, अगर उत्तराखंड आपको मिलता है तो अगर उत्तराखंड में कभी भविष्य माप तो क्या समस्याएँ उत्तराखंड को लेकर आपको लगती हैं? देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ पे कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं, मुझे लगता है अगर प्लेन्स में देखें तो नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हिली एरियाज़ में हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वहाँ पर मेनटेन करना रहता है डेवलपमेंट वर्सेज इन्वायरमेंट को, और बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स का शिकार हो रहा है उत्तराखंड। तो मुझे लगता है इन एरियाज़ में जाके मैं वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहूँगी कि किस तरीके से वो अपना योगदान दे सकते हैं बाय नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कि एक लगातार बिल्डिंग्स ना खड़ी करें और अच्छे से जांच करके उस एरिया में अपना घर बनाएं। सेकेंड मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ रूरल एरियाज़ में, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्मी में चले जाते हैं और फिर एग्रीकल्चर उसके बाद उनका ऑप्शन रह जाता है। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में हो, से इट
डांसिंग और सिंगिंग, और आजकल तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं उत्तराखंडवासी। और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में हैं वो आगे आए और अपना योगदान दें। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि एजुकेशन, स्पेशली अमंग द वेमेन ऑफ रूरल इंडिया और रूरल उत्तराखंड, उनके प्रति मैं जागरूक करना चाहूँगी उन लोगों को। थैंक यू मैम, वेरी वेल डन। तो बिल्कुल, ये थी मीनाक्षी आर्या, जिन्होंने यूपीएससी में 444वीं रैंक हासिल की है और लगातार इन्होंने जो उत्तराखंड के बारे में बात की, तो उत्तराखंड को लेकर एक काम करना चाहेंगी, तो उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर या फिर रोजगार को लेकर काम करना चाहती हैं। न्यूज़ 24 नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से योगेश भट्ट।